शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 53वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अधिवेशन में 35 शहरों से 800 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान मध्य भारत प्रांत का निर्वाचन भी हुआ, जिसमें मध्य भारत प्रांत को दो हिस्सों में बांटा गया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए एबीवीपी के इस प्रांत अधिवेशन में मध्य भारत प्रांत को दो हिस्सों में बांटा गया। मध्य भारत प्रांत का केंद्र भोपाल किया गया, तो वहीं अब से मालवा प्रांत का केंद्र इंदौर किया गया है। विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मेरे सामने भी विद्यार्थी परिषद में कई बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के भाव में परिवार भाव भी है, इसलिए परिषद से जोड़ना भी जरूरी है। निश्चित रूप से कोरोना का कष्ट मिटा है तो छात्र संघ चुनाव हम कराएंगे, हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। मैं छात्र संघ चुनाव का व्यक्तिगत रूप से भी पक्षधर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इस बारे में निश्चित आवश्यक गाइडलाइन बनाएंगे और छात्र संघ चुनाव कराएंगे। विश्वविद्यालय की ब्लॉक ग्रांट बढ़ाने को लेकर ग्रांट बढ़ाने का विश्वविद्यालय को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ अभी 3-4 तरह के विश्वविद्यालय है। आमतौर पर जो विश्वविद्यालय हम उनको सेल्फ फाइनेंस की तरफ आगे ले जा रहे हैं ताकि वो अपनी वित्तीय व्यवस्था भी सुदृढ़ कर ले और नए कोर्स भी लेकर के आए। खास करके ऐसी कई नए कोर्स हैं जैसे परंपरागत रूप से अभी तक चलाते आए, उनसे बच्चों का भी भविष्य में प्रश्न खड़ा होता है। तो जो रोजगार उन्मूलक जो नए कोर्स हैं वो लाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं प्राइवेट विश्वविद्यालय कुलपतियों की भी मीटिंग लेने वाला हूँ और गवर्नमेंट के कुलपतियों के साथ भी निर्णय करके आगामी रूप से 20 साल तक नई भूमिका में विश्वविद्यालय कैसे चले, इस पे हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद में काफी ताकत होती है। विद्यार्थी परिषद ने जब भी कोई मुद्दा उठाया है उस पर लोगों की नजर जरूर गई है, चाहे फिर वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का। आपातकाल के दौरान भी सबसे मुखर आवाज विद्यार्थी परिषद ने ही बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मैं भी विद्यार्थी परिषद का 1982 से सदस्य रहा हूं। तब समय से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो राष्ट्र के हित में हल करना चाहिए उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मुझे ध्यान में आता है कि 1992 में जब कश्मीर का मुद्दा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने उठाया तो पूरे देश का ध्यान उस तरफ गया। उसी प्रकार से राम मंदिर से लगा करके कई ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठे तक के तमाम मुद्दों को विद्यार्थी परिषद सबके बीच में लाए हैं। आपातकाल के कठिन दौर के खिलाफ भी विद्यार्थी परिषद ने ही अपनी भूमिका सबसे ऊंचे स्तर पर बुलंद की ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहा है। मैं अधिवेशन में आकर के आज 53वें अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मुझे खुशी है कि विद्यार्थी परिषद के माध्यम से नई शिक्षा नीति को लागू करने के कई आयाम मिलेंगे। जब नई शिक्षा नीति 2020-20 चालू लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे में छात्र संगठन और सरकार मिलकर ही अच्छा निर्णय कर पाएंगे। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।